सालों से मेरा एक मन्नत था जो आज टूटने वाला है। कोई लालच दिया था कि बोला कि भाई सॉलिड होता है, तो यहाँ का पेड़ा क्या खा रहा है बोला, तो मैं बोला कि ठीक है आज से पेड़ा छोड़ा और ना जब जब मैं हम जाऊँगा तभी पेड़ा खाऊंगा। 4 सालों से भाई पेड़ा नहीं खा रहा था, आज वो व्रत टूटने वाला। तबीयत रात को इतना खराब था क्या बताऊँ, ये चेहरा देख के पता ही चल रहा होगा आप लोग को। और सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक अगेन माय व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपने घर से, और अभी जाने वाले हैं हम जो आगे, तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज सिक्किम राइड होने वाला है, जो ओडिशा से सिक्किम। और सिक्किम के बाद जो प्लानिंग है ना वो तगड़ा प्लानिंग है भाई, मैं आपको ना मतलब प्लानिंग अभी नहीं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा। और अभी तो लाइट चला गया, इसके वजह से मेरे को ऐसे ही इंट्रो देना पड़ रहा है। ऐसे जो राइड था वो कल शाम को होने वाला था, बट मम्मी की वजह से, मम्मी बोले कि रात को मत जा, कल सुबह से चले जाना, तो उनके बात को मना कैसे कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं आज सुबह निकला, फिर कल सब कुछ सेट कर चुका था, बट मम्मी की वजह से छोड़ो रहने दो वो बात को। और अभी मैं सोच रहा था कि भागलपुर क्रॉस कर लूँ कल रात को, बट हुआ नहीं। तो अभी से 4:45 बजने वाला है, और 4:45 के अंदर अभी संबलपुर से क्रॉस करूँगा, संबलपुर से जाए होते हुए सुंदरगढ़ होते हुए आगे जाऊँगा। तो सबको नहा धो के फ्रेश होके अभी रेडी हो चुका हूँ, लिटरली सब सारा पैकिंग वैकिंग जो था वो गाड़ी में लगेज वगैरह था वो सब कुछ सेट कर चुका हूँ, और कुछ काम बाकी है, उसके बाद मैं अभी निकलूँगा। अभी का टाइम हो रहा है 4:45, तो चलो निकलते हैं क्योंकि रास्ता बहुत ही लंबा है और बहुत आगे जाना है। तो चलो मिलते हैं आगे। तो फाइनली अभी निकल चुका हूँ, और पहले मेरे को संबलपुर जाना है, उसके बाद क्योंकि माइक ख़राब हो गया मेरा, तो माइक फिर अमित से लेके फिर आगे का सफ़र जारी रखेंगे। बहुत दिनों के बाद गाड़ी चलाने में जो मज़ा आ रहा है ना, क्या बताऊँ, 2 महीने के बाद भाई, 2 महीने के बाद ऐसा लग रहा था कि क्या बताऊँ, जाम हो गया था पूरा, मतलब सर इतना पूरा ना जाम हो गया था पूरा। सो चलो संबलपुर से माइक लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि चलो अब तो सारा टेंशन खत्म, आराम से आएंगे बोल के, बट अभी असली टेंशन बाकी। फाइनली ट्रिप स्टार्ट हो गया, और जो मेरा प्रॉब्लम था वो 1 घंटा लगा भाई उसको सॉल्व करने में, क्योंकि जो कुछ टाइम पहले तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं वापस घर जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि खुशी देख रहे हो, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया, 8 बजे का पूरा 8:30 होने वाला है। किसी भी वीडियो में वॉइस ना होने की वजह से सब कुछ डिलीट करना पड़ा मेरे को। सुबह के बाद हम एक दोस्त मिलते हैं जो वो भी एक प्रोफेशनल राइडर है, और बोले कि चलो हम भी आपको मतलब हम आपको सुंदरगढ़ तक छोड़ के आते हैं, कि वही तो रिस्पेक्ट है भाई, और वही अपने को बहुत ही अच्छा लगता है कि लोग हमें इतना पसंद करते हैं। झारसुड़ा के बाद हमें रांची वाला रूट लेना था। क्योंकि ऐसे रोडों में गाड़ी को चलाने से ज्यादा उछालने में हो जाता है। धूप बहुत ज्यादा है भाई, मैं सोच रहा था कि धूप नहीं है, निकल जाएंगे जल्दी जल्दी। मैं कल रात का ना समय बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं अगर रांची क्रॉस कर लेता उसके बाद तो ठंडी मतलब ठंडी लगती, उतना तो गर्म लगता ही नहीं। सो क्या करें, कल का प्लानिंग रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, और ये धूप बहुत है यार। पानी पीने के लिए थोड़ा रुके हैं, फिर पानी पी के फिर निकलेंगे, जो करीबन झारसुगुड़ा से 90 किलोमीटर की दूरी पे है, उसके बाद बाईपास जाता है रांची के लिए। चलो यार, थैंक गॉड एनएच पे तो आ गए, क्योंकि वो गांव वाला जो रूट था ना उसमें गाड़ी चलाने होता नहीं, कभी कहां से कोई आ जाता है क्या, मतलब कुछ गाड़ी वो चलाने ही होता नहीं अच्छे से। तो फाइनली चलो हम लोग आ गए एनएच पे, अब फिर गाड़ी का रफ्तार थोड़ा बढ़ेगा तभी अच्छा लगेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ये देखो गाड़ी चलाते चलाते तो पूरा सूख गया है, इसमें अगर कुछ नहीं डाले तो आगे चलने होगा नहीं। तो ये इसका सस्ता जुगाड़ है, ये गियर ऑयल है। मैं घर से जब भी निकलता हूँ घर से कैरी करके रखता हूँ, रास्ते में कहीं कहीं मिलता भी नहीं है ना। रांची क्रॉस करने के बाद हमें जाम ही जाम मिले हर जगह,
सो इसी वजह से होटल पहुँचते पहुँचते 10 बज गया रात का। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन माय व्लॉग। सो कल रात का, कल जो पहला राइड था ओडिशा टू नेपाल, नेपाल में आज मैं कवर कर पाया हूँ कल बैजनाथ तक, जो 600 से 700 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो उसमें वेदर चेंज होने की वजह से भारी नुकसान होने वाला था मेरे को, बट कुछ हुआ नहीं। तबीयत रात को इतना ख़राब था, क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि आँख मेरा खुल नहीं रहा था। अभी भी चेहरा देख के पता ही चल रहा होगा आप लोग को। सुबह सुबह अच्छा, थोड़ा बहुत अच्छा लगा है। मैं सोच रहा था आज एडिट करके आज ही ब्लॉग डाल दूँ, बट क्या पता क्या होगा। सोच रहा हूँ रात तक वीडियो आ जाएगा ये का। भाई देखो क्या हालत है, कल बुखार, तबीयत ख़राब इतना ज़ोर से, क्या बताऊँ। मैं कैसे करके रूम में पहुँचा हूँ मुझे पता है, और उसके बाद आके ही लेट गया, खाना खाया और लेट गया। कल कैसे रूम पहुँचा हूँ मुझे ही पता है, और खाना खा के ऐसे पड़ा हूँ। अब आज सुबह नींद खुला है, अभी तो मैं पहुँच गया हूँ बैजनाथ धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक अगेन माय व्लॉग। और आज का व्लॉग उड़ीसा और नेपाल राइड का दूसरा दिन है, और दूसरा दिन में मैं पहुंच चुका हूं बैजनाथ धाम, जिसे मतलब जो झारखंड में आता है। और अभी मतलब कल रात को जो सीन हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा आज, कल ही पहुंच पाऊंगा, बट क्योंकि इतना तबीयत ख़राब हुआ क्या बताऊँ यार। सच में बोल रहा हूँ कि जब आया मैं रूम में, तभी मेरे को पता चला कि जस्ट आया, जैसे खाना खाया और ऐसे सोया हूँ ना, आज सुबह नींद खुला है। और मेरे को ऐसा लगा कि क्या बताऊँ यार, लिटरली अभी और नहीं जाने होगा, आज यहाँ पे एक दिन स्टे करना होगा, फिर कल रात को मेडिसिन लिया, तो उसके बाद अभी तो पूरा ठीक हूँ। उसके बाद और क्या ही कर सकते हैं, नहा धो के फ्रेश हो गया मैं, और अभी जा रहे हैं बाबा के पास, जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और बहुत दिनों का जो मतलब एक रहता है ना, कि 4 सालों से मेरा एक मन्नत था जो आज टूटने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो पेड़ा होता है, मेरे को कोई लालच दिया था कि बोला कि भाई बाबा धाम का पेड़ा सॉलिड होता है, तो यहाँ का पेड़ा क्या खा रहा है बोला, तो मैं बोला कि ठीक है आज से पेड़ा छोड़ा, और ना जब जब मैं बाबा धाम जाऊँगा तभी पेड़ा खाऊँगा। 4 सालों से भाई पेड़ा नहीं खा रहा था, आज वो व्रत टूटने वाला है। तो मेरे को लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना, क्या बताऊँ, अंदर से फीलिंग आ रहा है कि रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं भाई, ये देखो क्या बताऊँ यार। तो चलो मिलते हैं आगे, और चलो पहले मंदिर दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह दर्शन करना अच्छा रहता है, तो मंदिर दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्लानिंग करेंगे। राइड के दूसरे दिन भी मेरे को पता नहीं चला कि माइक ख़राब है, और मैं यही सोचते सोचते मंदिर चला गया। मैं जहाँ पे रुका था वहाँ से मंदिर का दूरी करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर था। यहाँ जो हमारा गाड़ी है, यहाँ पे पार्क कर लूँ, क्योंकि आगे गाड़ी रखने होगा नहीं, क्योंकि रश वाला जगह है और दुकान वकान है नहीं, ऐसे ही गलियाँ हैं पूरा। सो इसी वजह से वहाँ पे अंकल बोले कि गाड़ी यहाँ पे, आप यहाँ पर रख लो और मंदिर जाओ, और मंदिर हो क्या हो, मैं तो यहाँ पर रहूँगा। सो मंदिर मंदिर वहाँ पे छोड़ दिया सब कुछ। इतना भीड़ के बीच हमें बस बाबा का ही नाम सुनाई दे रहा था। ऐसे मंदिर में 6 घंटे लाइन लगने के बाद हमें दर्शन करने का मौका मिला। मंदिर में दर्शन करने के बाद जो शांति मिलती है वो कैसे बताएं। अभी बहुत ही अच्छा मंदिर का दर्शन हो गया, और मानो तो जो शांति मिली ना भाई, क्या ही बताऊँ वो चीज़ का। और आप भी कभी आओ मंदिर घूमो, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी। और दरअसल बोलने का बात यह है कि आज जो मेरा प्लानिंग था गैंगटॉक पहुँचने का, अभी मैं वो कैंसिल किया, क्योंकि तबीयत मेरा फिर बिगड़ने लगा है, क्योंकि ये लॉन्ग राइड है, तो मैं नहीं चाहता कि तबीयत और बिगड़े, इसी वजह से आज यहाँ पे ही स्टे करेंगे, इसी होटल पे ही स्टे करेंगे। और ऐसे भी तबीयत ख़राब है नहीं, तो खा पी के थोड़ा मेडिसिन ले गए, सोना ही बेहतर समझता हूँ मैं। एक चीज़ ऐसा हुआ मेरे को, बहुत ही मतलब क्या बताऊँ आप लोग को, कि
जहाँ पे मैं गाड़ी छोड़ा था, गाड़ी छोड़ा था वहाँ पे मैं उसका लोकेशन भूल गया। एक बात तो हो गया, मैं मंदिर गया, मंदिर से मेरे जो गाड़ी का लोकेशन है वो लोकेशन के पास के पहुँचा, तो घूम घूम के मतलब इतना घुमाऊँ ना 2-3 किलोमीटर चला ही हूँगा। उसके बाद में मेरे को मिला, और उसके बाद फिर ये सीन हुआ कि जब जो हेलमेट में रख के गया था, जो दुकान में शॉप में रख के गया था, वो शॉप में ना वो शॉप वाला कहीं गया था, तो उसको ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो गया। फिर आया होटल में, होटल ढूंढते ढूंढते मेरा हालत ख़राब, क्योंकि अंजलि नाम का 2 होटल था। मैं सोच रहा हूँ ये रास्ता तो मैं आया नहीं हूँ, फिर गया मतलब कैसे मैं जा रहा हूँ। फिर घूम घूम के वो होटल पे पहुँचा, होटल में देखा ये होटल मेरा नहीं है, फिर 5 से 6 किलोमीटर होगा, फिर घूम घूम के मतलब फिर मेरे होटल पे पहुँचा। क्या ही बताऊँ यार, कुछ टाइम के बाद जब तबीयत अच्छा लगा तो मैं निकल गया मार्केट की तरफ पेड़ा लेने, क्योंकि यही पेड़ा की वजह से श्री बैद्यनाथ जी का दर्शन मिला मुझे। तो आप मंदिर गया, मंदिर से आने के बाद कहीं निकलने का मन नहीं किया? दिखाने का तो मन नहीं है, बट ना खाओ तो तबीयत खराब हो सकता है, कल फिर आगे जाना है मेरे को, अगर कुछ हुआ तो दिक्कत हो सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं दूसरा व्लॉग में और कुछ नया इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ। तो ये जो सीरीज चल रहा है उड़ीसा टू नेपाल, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, और बने रहिए यार और अपना प्यार दिखाते रहिए। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, टाटा बाय बाय एंड सी यू यार।